Hello everybody, my name is Praveen hey, and I welcome you at Free Online Coaching and Bauma Studies Center. Guys, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एस सी वर्मा से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस होगा. क्वेश्चन क्या है कि अ पार्टिकल ए हैविंग अ चार्ज ऑफ 2×10⁻⁶ कूलम्ब एंड अ मास ऑफ 100 ग्राम is placed at a bottom of a smooth inclined plane of inclination 30 degree. Where should another particle B having same charge and mass be placed on the incline so that it may remain in equilibrium? Okay, तो देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं. सबसे पहले तो एक इंक्लाइंड प्लेन है. ओके, एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन क्या है, 30 डिग्री. तो एक इंक्लाइंड प्लेन बना देता हूं मैं. ये हो गया हमारा इंक्लाइंड प्लेन. ओके, और ये एंगल कितना है, 30 डिग्री पे. और इसके बॉटम पे क्या है, प्लेस एट द बॉटम. इसके बॉटम पे मतलब यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास क्या है, 100 ग्राम. ओके, इसका मास क्या है, 100 ग्राम, मतलब 0.1 kg. ओके, और चार्ज कितना है, 2×10⁻⁶ कूलम. ये जो पार्टिकल है इसके बॉटम पे है. क्वेश्चन में क्या है, वेयर शुड अनदर पार्टिकल बी हैविंग सेम चार्ज एंड मास बी प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन सो दैट इट रिमेन इन इक्विलिब्रियम. तो मान लो कहीं यहां पर इस पार्टिकल को रखा जाए, इंक्लाइन पर ही रखना है, तो कहीं यहां पर रख दिया गया है. और ये जो पार्टिकल बी है, ये पार्टिकल ए है, चार्ज पार्टिकल ए, चार्ज पार्टिकल बी है. इस पर चार्ज कितना है, इस पर चार्ज है 2×10⁻⁶ कूलम्ब. इसका मास कितना है, 0.1 kg. ठीक ना, 0.1 kg. तो अब देखो एक काम करते हैं, ये इसको किस तरीके से रखा गया है. मान इसको किस तरीके से, इस तरीके से यहां पर रखा गया है कि ये इक्विलिब्रियम में रहे. मतलब इस पे नेट फोर्स क्या रहे, जीरो. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स. अगर मैं केवल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो नेट फोर्स जीरो. ओके, तो ये किस तरह रखना है, इसमें ये इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब इस पर कोई भी फोर्स ना लगे. तो एक लेट अस अज्यूम कि यहां से ये जो डिस्टेंस है ये एक्स है. ये वाला डिस्टेंस क्या है, एक्स. ओके, तो अगर मैं इस पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो देखो इस पर फोर्सेस किधर किधर लगेंगे. ये नीचे की तरफ फोर्स लगेगा जो होगा mg. नीचे की तरफ जो फोर्स होगा वो क्या होगा, mg. और m कितना है, 0.1. g की वैल्यू 10 लेते हैं, ठीक ना. तो ये हो जाएगा 0.1×10, 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा. ओके, और इसका चार्ज क्या है, 2×10⁻⁶ कूलम्ब. और इसका भी चार्ज क्या है, सेम है. तो ये सेम चार्जेस है, तो ये क्या करेंगे, इन पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इस लाइन, ये जो लाइन है, इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके अलोंग होगा. ओके, ये दोनों जो चार्ज हैं इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये लाइन इसके अलोंग होगा. और किधर होगा, ये अवे फ्रॉम द इस डायरेक्शन में होगा. ओके, तो एक काम करते हैं हम, अगर देखो ये फोर्स नहीं रहेगा तो ये जो चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ रोल करेगा. क्यों, क्योंकि इसमें जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना उसका एक कंपोनेंट आएगा. तो मैं इसका एक कंपोनेंट निकालता हूं. आई होप कि आप ये बहुत आसानी से लिख सकते होंगे कि ये एंगल 30 डिग्री होगा. ओके, तो 1 न्यूटन का इधर इस डायरेक्शन जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, 1 sin 30 degree. और sin 30 degree 1/2 होता है. That means इधर इस direction जो force आएगा क्या होगा, 0.5 newton. Okay, तो इसका मतलब क्या है कि इस direction में जो electrostatic force होगा, to keep particle B in equilibrium, जो electrostatic force है Fe must be equal to 0.5 newton by न्यूटन सेकेंड लॉ. ओके, आई होप ये जो स्टेटमेंट्स हैं आप इससे कंफर्टेबल होंगे. टू कीप दिस पार्टिकल बी, ये जो पार्टिकल बी है उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए
ये जो FE है फोर्स ड्यू टू पार्टिकल ए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू पार्टिकल ए ऑन पार्टिकल बी मस्ट बी 0.5 न्यूटन। ओके, तो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, वे कहां रखें, है ना क्वेश्चन में। वेयर शुड अनदर पार्टिकल बी हैविंग सेम चार्ज एंड मास बी प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन सो दैट इट मे रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो यहां से x डिस्टेंस पर रखा गया है, तो ये x है, तो हमें ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो देखो, जो कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ के बेसिस पे व्हाट कैन आई राइट कॉन्फिडेंटली विद फुल कॉन्फिडेंस दैट 0.5 इज इक्वल टू के q1 q2 बाई r का स्क्वायर। ओके, सो 0.5 इज इक्वल टू, अब k की वैल्यू क्या होती है भैया, ये कांस्टेंट है, हमें मतलब मोस्ट प्रोबेबली आई होप कि आपको याद, मतलब आपको इसकी वैल्यू पता होगी, k की जो बेसिक वैल्यू होती है k इज इक्वल टू 1/4πε0। ओके, अगर आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और 4π की वैल्यू रखेंगे व्हाट यू गेट 9 × 10⁻¹। तो आई होप कि आप ये वैल्यू बहुत आसानी से रखते होंगे। ओके, तो व्हाट कैन आई राइट 9 × 10⁻¹। अब चार्ज q1 q2, चार्ज तो दोनों सेम है और इक्वल है, सो व्हाट कैन आई राइट 10⁻⁹ + 9। ओके, 2 × 10⁻⁶ का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। ओके, सो व्हाट विल बी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर विल बी बेसिकली 9 × 4। ये 9 है, ये 10⁻¹ क्या है 12 हो जाएगा, तो 9 − 10⁻¹ 12, दैट विल बी −3 × 10⁻³ × 2। ओके, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 × 2 × 10⁻³, दैट विल बी, आप इसको आर की वैल्यू लिखोगे तो 6 ओके इंटू √0.2 × 0.1। ओके, सो व्हाट विल बी दिस, सो 0.6 × √0.2, सो दिस इज द आर। अगर इसको सॉल्व करोगे आर की वैल्यू को सॉल्व करोगे व्हाट यू गेट, मैं कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, तो ये जो आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.268 मीटर आएगा। ओके, या फिर मैं अप्रोक्सीमेटली बोलूं इसको तो 0.27 मीटर, मतलब 27 सेंटीमीटर। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।